मुंबई में ऑल इंडिया राजीव गांधी पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र अध्यक्ष मनोज गायकवाड़ और विक्की सुरवसे व संदीप गायकवाड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं पार्टी के विकास को लेकर चर्चा की। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता जेपी यादव की यह खास रिपोर्ट। मैं मनोज गायकवाड़ ऑल इंडिया राजीव कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। ऑलमोस्ट मेरे महाराष्ट्र में 30 जिलों में मेरे पदाधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं, टोटल 30 है। जैसे महाराष्ट्र के महासचिव विक्की सुरवसे, फिर मुंबई के उपाध्यक्ष परमेश गायकवाड़, परमेश गुप्ता, फिर बाद में अपने डोके रोड के सचिव अनमोल सिंह जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्रीज में भोजपुरी फिल्म के साइड एक्टर हैं, और अपने संतोष जी है महाराष्ट्र के सचिव, और अपना संदीप गायकवाड़ मुंबई के सचिव है। ऑलमोस्ट हमारे मुंबई महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए 5 कैंडिडेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं विधानसभा जाने के लिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कैंडिडेट मिलने के लिए। धन्यवाद नहीं बोलना है, मैं दूसरा सवाल। महाराष्ट्र में कई जगह पे बाढ़ आई है और काफी गंभीर स्थिति बनी है, इस स्थिति में आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है? हमारी पार्टी की तरफ से सहायता किया जा रहा है, जैसे वहाँ पे किसान लोग है, इसको खाने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो हमारी पार्टी की तरफ से सहायता की जा रहा है। किसको खाना दिया जा रहा है, किसको कंबल दिया जा रहा है, किसको कपड़े दिए जा रहे हैं, वो सहायता किया जा रहा है हमारी पार्टी की तरफ से। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और दही हंडी उत्सव काफी बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है, इन कार्यक्रम में भी आपकी पार्टी का कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला है या? मेरी पार्टी की तरफ से ऐसे सात मंडल के लिए जो नाश्ता रहता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे साइन में एक है, माटुंगा में है, दादर में है, वाशी में जो गणेश नायक की जो दहंडी लगती है, इतने ही मंडल में मेरा जो पार्टी की तरफ से स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कोई कोई मंडल में 300-300, 400-400 बंदे हैं, तो उनको हमारे पार्टी की तरफ से स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। पार्टी की तरफ से इनकेस अभी जनसभा या कोई बड़ी रैली का आयोजन किया जाने वाला है या विधानसभा का भी आयोजन किया जाने वाला है जो सितंबर के 2 तारीख के बाद? उधर मतलब आज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सातारा सांगली ये पूर्व रस्तों को हम लोग मदद कर रहे हैं, हमारी पार्टी मदद कर रही है, और मैं पार्टी के पदाधिकारी को और पार्टी के कार्यकर्ता को हमने बताया है कि आपका सहयोग उधर होना चाहिए, क्यों वो हमारे भाई बहन है, तो उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैंने ये मुद्दा अपने पार्टी के ऊपर मतलब अपने पार्टी को बता दिया, और हम खुद भी मदद कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ दूसरे लोगों को भी वो भी मदद करें सातारा सांगली जिले में, क्यों उनकी परिस्थिति खराब है उनकी, और ऐसी परिस्थिति में हम उनकी मदद करना ज़रूरी है। ये अभी तो नई पार्टी अच्छे से काम चालू है, आगे भी बहुत अच्छे से काम चालू होगा। अभी बीच में हम बीड़ में गए थे प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे वो जैसा संस्था जो है वहाँ पे भी हमने थोड़ी हेल्प की है, तो आगे हम चाहेंगे और ज़्यादा हेल्प करें। ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबको हमने बोला है सब लोग को मदद करते जाओ, नाम अपना आगे बढ़ते जाओ, जो भी कॉलेज है स्कूल है जहाँ जो स्लम जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा जाके इंक्वायरी करो कि हाँ कहाँ किसको तकलीफ है, कुछ तकलीफ नहीं है, वो सब एक लेटर में लिख के लेके आओ जिससे हम उसकी सहायता कर सकें, क्योंकि जब तक हम सामने लोगों के तक नहीं जाएंगे तब तक उनका प्रॉब्लम हमको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, इसलिए हम पहले वहाँ तक जाएंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके बाद अपनी पार्टी अच्छे से ऊपर आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको मदद करें।